तो वही जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि जब आप दफ्तर आ रहे थे तो आपने सुबह में ये कपड़े वॉर्डरोब से निकाले कि द नाइट बिफोर, और क्या सोचे थे ये क्यों पहनने हैं या ये पसंद क्यों किया? हाँ, मेरी शिफ्ट जो है वो शाम को 6 बजे स्टार्ट होती है, तो नाइट शिफ्ट है, तो कपड़े निकालने वाले ही सोचा था कि सबसे ज़्यादा ऐसे कपड़े होंगे जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल फील करूँ और रिलैक्स फील करूँ, क्योंकि नाइट शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा रात की जागने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन में लग रहा था कि रिलैक्स रहूँगा इन कपड़े में, तो इस वजह से बस मैंने अच्छा। और जैकेट पहनने का आपको शौक है? जैकेट पहनने जैकेट पहनने का शौक है, लेकिन वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे गर्मी के अंदर मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ, मगर आजकल जो है मौसम थोड़ा ठीक है तो पहन सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं सर आपको यही कहूँगा कि कलर कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से आपके हाइट और शक्ल के माशाल्लाह की दाढ़ी भी है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ऑड लग रहा है मुझे, और जो फैब्रिक इस्तेमाल किया वो थोड़ा सा शाइनीज आ रहा है, तो आई थिंक जो आपका जो जो सोच है वो बिल्कुल सही है, कंफर्ट के लिए भी आप देख रहे हैं, आपने वॉर्म भी रहना है या जैसे आपने कहा, पर आई थिंक कलर थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, तो आपने क्रीम कलर का शर्ट पहना, आपने उसको क्रीम कलर का जैकेट भी पहना और हेड स्ट्राइप भी लगा हुआ है, तो आप जब ये खरीदते थे आपने उस वक्त क्या सोचा था, मैं क्या चीज़ के लिए पहनूंगा, जो मैं जैकेट का बात कर रहा हूँ? जब मैंने ये खरीदा था तो इसके साथ वाइट कलर की शर्ट है और इसकी जो ओरिजिनल पैंट है वो भी सेम कोट की कलर की। बट आपने क्या पर्पस के लिए उसको खरीदा था? शादी थी क्या ऐसे ही बना के मुझे ये ऑफिस में ये पहनना, ऐसे ही बनाया था? तो मैं माइंडसेट जानना चाहता हूँ कि एडवाइस तो कोई भी दे सकता है कि इस तरह के कपड़े पहनो, बट इस ये पर्पस एक्सरसाइज है कि लोगों को सिखाना भी कि वो अपना अपना दिमाग में इस्तेमाल करें कि क्या सही अटायर है क्या नहीं है, तो आप जब ये पसंद कर रहे थे आपने इसको देखा शेल्फ पे था या आपने सिलवाया था? सिलवाया था, पर्पस उस वक्त ये था कि डार्क कलर का इस तरह के कलर के मेरे पास कुछ था नहीं, किसी की शादी थी या क्या? नहीं, ऐसे ऐसे ही गया। तो ये जो रेड कलर लगा हुआ ये आपने कहाँ देखा था या आपने इसको बताया था? आपने सोचा कि नहीं, उसने अपनी मर्जी से लगाया था, मैंने उससे कहा था सिंपल सा बना दो, तो उसने इसके ऊपर तो वही ले हमारी वही बात क्या हमारे टेलर्स यहाँ पर खुद का फैशन सेंस भी कर। अच्छा, आपने उस वक्त सोचा नहीं उसको कहने के लिए कि भाई मुझे तो दफ्तर में पहनना है? नहीं, मुझे लगा कि हल्की सी पाइपिंग है तो चल जाएगी, और शादी वगैरह में मुझे कोई ऐसा खास ही पहनना नहीं था, तो आपने सोचा कि ऑफिस में ये ज़्यादा पहनूंगा ज़्यादा। अच्छा, तो रेहान भाई मुझे कह रहे कि आप कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे थे, आपने ये पहना था वहाँ पे? नहीं, ये पहनते आप कॉन्फ्रेंस में? आपने वहाँ पे किस तरह के लोगों को देखे, वो किस तरह के कपड़े पहने रहते हैं वहाँ? जो लोग कपड़े पहनते हैं वो बिल्कुल हर चीज़ उनकी बिल्कुल परफेक्ट मैच करती है, ऐसा नहीं है कि शर्ट किसी और कलर की है, जीन्स किसी और कलर की है, और कोट के ऊपर नॉर्मली लोग वहाँ पे पहन जीन्स पहनते नहीं है, तो अगर कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो फिर ड्रेस शर्ट ड्रेस पैंट टाई लगी होती है, कोट लगा होता है, और मगर जब जीन्स जब हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो नॉर्मली हम लोग जो हमारी जिस प्रोडक्ट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं वो येलो कलर की हमारे पास शर्ट है, तो वो वेयर करते हैं, वो ड्रेस पैंट के साथ चल जाती है, जीन्स के साथ ही चलती है। तो मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल ब्लंटली पूछ रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस में जाना और दफ्तर में आना क्या फ़र्क है, कि आप वहाँ पर आप अलग तरीके का कपड़े पहनेंगे और दफ्तर में आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे? दफ्तर में जब हम जाते हैं तो आपको 10 घंटे काम करना होता है और टाइमिंग का सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में तो आप 10 घंटे लगाते हो, मगर बट डे टाइमिंग होती है ना, रात की टाइमिंग के अंदर तो आप थोड़ा नाइट शिफ्ट करें, आपके साथ कोई काम कर रहा है अकेले हो तो आपसे सीनियर है जूनियर है? जूनियर। तो आप रोल मॉडल उनके, तो आपको लगता है कि आप ये पहनेंगे तो आपको देखेंगे और सोचेंगे कि ये सर है हमारे सीनियर है कि आपको रिस्पेक्ट देंगे इसलिए आपने जैकेट पहना, तो चलो एक तो चीज़ आती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ रिस्पेक्ट नहीं है रोल, अगर मैं नहीं पहनूंगा तो वो भी नहीं पहनेंगे, तो असल चीज़ है। हाँ, तो आई थिंक
आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन जो चीज़ आपने पसंद की है उस पे वो है ना कि ये अप्रोप्रिएट अटायर फॉर एन ऑफिस नहीं। ठीक है, आई गेट के इवनिंग शिफ्ट आपकी है, बट ऑफिस में इस तरह के जाके, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे लगा कि शायद आप शादी में जा रहे हैं, कि मैं शादी में शायद इस तरह नहीं पहनूँ, बट वो मेरा अपना ओपिनियन है। बट ऑफिस के लिए मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज अगेन जिस तरह कॉन्फ्रेंस में आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी भी कंपनी है, यहाँ दफ्तर में भी आप यही कर रहे हैं, और आप सिर्फ कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप आपके जूनियर्स के सामने एक सीनियर भी हो, तो उनको भी ये शर्म है कि यार डोंट टेक हिम सीरियसली, पाइपिंग लगा लिया, ये कर लिया, इस कलर मैचिंग नहीं हो रहा है। तो हमें बहुत ये जहन में रखना चाहिए कि हम क्या इंप्रेशन लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आपने कंफर्टेबल भी रहना है, बट कंफर्ट और सेंसिबल क्लोथिंग दोनों भी हो सकता है। आपके वार्डरोब में दूसरा कलर का जैकेट है, कौन सा कलर है? ब्लैक है, ग्रे है, और ब्लैक, ज्यादा ब्लैक। ज्यादातर ब्लैक है। तो आई वुड से कि आप इस तरह की जैकेट्स ऑफिस में, अगर ट्राउजर्स पे पहन रहे ना पहने, आई थिंक कि जीन्स पे जी बेहतर लगेंगे। ये टू टोन वाला शर्ट जो है, ये भी सेम कलर, वो भी सेम, ऐसा ना करें, अपने कॉन्ट्रास्ट ये देखना। और ये थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज आपके माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत है, बट आप यही सोचें कि जब आप ऑफिस आ रहे हैं कि मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, यहाँ चले 10 घंटे, वहाँ पे 6 घंटे शायद, और डे टाइम हुआ, बट मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊँ तो मुझे उस हिसाब से कपड़े पहनने, और थोड़े टाइम के बाद आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे। डिफरेंट चीज़ों में फिर आप कंफर्ट लेवल गेज करेंगे कि जूते मेरे इस तरह होने चाहिए, जब ट्राउजर्स में थोड़ा कंफर्ट ले लूँ तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरे साथ भी, तो मैं ये कॉटन के ट्राउजर्स पहनता हूँ, बिकॉज जो नॉर्मल ट्राउजर्स होते हैं सूट के, वो थोड़े अनकम्फर्टेबल होते हैं थोड़े टाइम के बाद, स्पेशली जब आप 10-12 घंटा काम करें। बट इसी तरह से माइंड सेट सोचेंगे, मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊँ, रोज में दफ्तर में कॉन्फ्रेंस को बना लूँ, और अब देखना आप भी, आपके वो थोड़ा आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। जहाँ तक मैचिंग का है, कुछ कलर्स मैच करते हैं, कुछ कलर्स कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तो मैं हमेशा ये करता हूँ, हैंगर पे अपना शर्ट लगाता हूँ, उसके ऊपर फिर जैकेट लगाता हूँ, उसके नीचे ट्राउजर या जीन लगाता हूँ, अपने बेड पे लेटा के उसको फिर देखता हूँ ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। एंड समटाइम्स बिल्कुल सही हो जाता है, कुछ टाइम नहीं भी होता है, तो बस आपने इस तरह का थोड़ा टेस्ट करना है अपने आप के ऊपर, बट थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए कलर्स पहनने में। सही, माशाल्लाह जैकेट पे इस तरह का आई वुड अवॉइड, और इस तरह का फैब्रिक अवॉइड करें, ये सही नहीं लग रहा है। नहीं, इसको आप अगर एक्सप्लेन भी कर दें कि इफ़ यू वर, आई मीन आप अंग्रेजी अमरीका इंग्लैंड में बड़े हुए, इंग्लैंड में पैदा हुए, तो उनका फैशन सेंस फ़र्क है, तो अब अगर आप इनसे बिजनेस करने आते मैं नहीं करता तो ये, वो क्यों नहीं करता? और ये कोट भी इन्होंने आज तीसरे दिन पहना, ये नॉर्मली नहीं पहनते सूट। मैं अगर ठीक है चलो इस तरह कर लेते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप जाते तो मुझे आपकी शक्ल से भरोसा हो जाता, नॉट बिकॉज आपकी दाढ़ी है, बट माशाल्लाह आपकी शक्ल से लगता है कि ये सिंसियर है, बट आपके ड्रेस सेंस है यार, ये अपना काम जानता है कि नहीं जानता है, या ये सीनियर इनफ नहीं है, सही डिसीजन मेकिंग तुम्हारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, आप शायद जूनियर लेवल पे हो, जैकेट पहना ठीक है लेकिन जूनियर लेवल पे, मैं यही सोच रहा हूँ। तो मैं अगर आपको कह रहा हूँ उसको चेंज करने के लिए, इसमें कुछ आप कॉन्फ्रेंस में क्या पहनते हैं, तो ब्लैक को भी आप अवॉइड कर लें, बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग ब्लैक सूट्स पहन लेते हैं, मैं तो सिर्फ ब्लैक सूट शादी में वलीमा में पहनता हूँ, या कोई इवेंट होता है अगर वहाँ पे जरूरत है, फ्यूनरल में पहनते हैं, नॉट इवन दैट, ब्लैक वो एक्सट्रीम, मतलब जैसे कॉफी में भी ब्लैक इज वेरी स्ट्रांग एंड बिटर ना, तो हर वक्त आपको तो वो करने में थोड़ा सा दूध डाल सकते हो ना, तो आई वुड गो फॉर ब्लू। आप पिन स्ट्राइप ट्राई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि बहुत चौड़े चौड़े, हल्के हल्के हो, आपकी हाइट भी उससे माशाल्लाह लगेगी, फिर क्या बड़े हो,